जी मित्र आए हैं सारा ने बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रवीण कुमार इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सर ते ये मेरे नसीम अहमद सर मेरे बड़े भाई हैं। ये इंटरनेशनल कोच हैं, ये इंटरनेशनल कोच हैं। ये शमशाद अली ये भी बॉक्सिंग कोच हैं, तो यहाँ पे पहुंचे हैं। बाकी ये मनदीप सिंह संधू जो एक इंटरनेशनल बॉक्सर है, वो बलजीत सिंह इंटरनेशनल बॉक्सर हैं। बाकी ये मेरे भी बड़े भाई हैं, ये भी बड़े भाई हैं मेरे। की प्रोग्राम करने जा रहे हो? असी प्रोफेशनल टूर्नामेंट करवा रहे हैं जी, बॉक्सिंग का प्रोफेशनल टूर्नामेंट करवा रहे हैं। तो जिते कि मनोज कुमार ओलंपियन बॉक्सर अर्जुन अवार्डी पहुंच रहे हैं, 2 बार ओलंपियन खेडे है जी, कॉमनवेल्थ गोल्ड है जी। आप एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट करवा रहे हैं, बॉक्सिंग का प्रोफेशनल टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं क्योंकि आईबीसी के अंडर आ, जिते कि मनोज कुमार ओलंपियन बॉक्सर पहुंच रहे हैं, अर्जुन अवार्डी आ, कॉमनवेल्थ गोल्ड आ। तो असं एक पहल कर रहे हैं बहुत वधिया, फस्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है इस इलाके के। हंबोर के पहला फस्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है जिसे बांग्लादेश थाईलैंड तो टीम पहुंच रही है, तो दुबई तो भी एक प्लेयर आ रहा है खेडन वास्ते, तो अफगानिस्तान तो भी आ रहे हैं। तो पहल कर रहे हैं, तो सपोर्ट आ सज्जन मित्र यार दोस्तों की बहुत साड़ी ठीक है, हैल्प भी कर रहे हैं। तो तुम जिन्हें बैठे हो बहुत धन्यवाद, तुम भी साड़ी बहुत सपोर्ट कर रहे हो। तो फस्ट इंटरनेशनल प्रोफेशनल टूर्नामेंट बॉक्सिंग का हो रहा है जी। तो ये अपने सीनियर सैकेंडरी स्कूल करवा रहे हैं जी, सीनियर सैकेंडरी। हाँ जी, ये 28 दिसंबर है, 27 तारीख में वेट है जी। टीम जी फॉरन वाली सारी 27 आ जाएगी जी, 28 वेट है, 27 वेट है, 28 फाइट है जी, सुबह 11 बजे शुरू हो जाएंगे। बस सर मेरा भी एक खुद का एक सपना सीगा भी एक इस हंबोर एरिए, मेरा मनदीप सिंह संधू जो है बॉक्सिंग मुंडा प्लेयर है, मेरे को चंडीगढ़ ट्रेनिंग करता सी, मैं चंडीगढ़ ओम प्रकाश और भगवंत कोच है उन्होंने को ट्रेनिंग करता सीगा। यह मुंडा उत्थे ट्रेनिंग करने वास्ते आउंदा सी, तो इस मुंडे ने मैनूं आखिया कहिंदा यार आपां अपने इलाके दे विच इक भी खोलीए क्लब जिम जो कि आपां बच्चों अगे ले जा सकीए, बच्चों एक चंगे रस्ते ले चलीए। सानूं चलो लगा इत्थे आए असीं अकैडमी खोली, सानूं 3-4 महीने हो गए जिथे कि अमचौर बॉक्सिंग दे विच साडियां 4 कुड़ियां है जी, हुण स्कूली खेड के आईआं जी, एक मैडल आया स्कूल दे विच, ते खेड मेला होया भगवंत मान ने टूर्नामेंट करवाया सी जिहदे विच कि साडा एक ब्रॉन्ज मैडल आ, ते हुण पंजाब सीनियर स्टेट होई सी जलंधर दे विच साडा एक सिल्वर मैडल आ, एक ब्रॉन्ज मैडल आ, साडे बच्चे खेड के आया। प्लस प्रोफेशनल बॉक्सिंग दे विच मेरा स्टूडेंट बैठा मुंडा बांग्लादेश दे विच हुणे फाइट करके आया जी, ते थाईलैंड दे विच इहनां दा गोल्ड आ, मेरा स्टूडेंट खेड के आया, मैं खुद रूस दे नाल मेरी फाइट सीगी बांग्लादेश थाईलैंड दे विच, हुणे मैं जाके आया खेड के आया। बस अभी सोचा कि इस एरिए अगे लैके जाइए, हंबोर नूं स्पोर्ट्स नूं अगे लैके जाइए, बहुत रिस्पोंस बहुत बढ़िया मिल रहा, चंगे सपोर्ट कर रहे सज्जन मित्र, जिन्हें भी SP SSP DC जिन्हें भी है ना स्पोर्ट्स नूं बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत हंगारा मिल रहा। तो बस एक सपना साडा, एक टारगेट आ भी हंबोर एरिए विच एक चंगे लेवल दे प्लेयर तैयार करिए। बाकी मेरा साथ देने वास्ते मेरी सपोर्ट करने वास्ते बहुत अपने गुरबख्श चीफ कोच भी आ रहे हैं, जो अपने ओलंपियन जिन्हें भी प्लेयर अपने विजेंद्र मनोज कुमार शिवा थापा एल जिन्हें भी अपने प्लेयर्स उन्होंने टीम के नाल जाते हैं वो भी पहुँच रहे हैं, तो कुलदीप सिंह एशिया मेडलिस्ट आ वो भी पहुँच रहे, उन्होंने फाइट है इतने शमशाद अली के नाल। बाकी ये मेरे कोच है भी दसनगे तुहानू, इंटरनेशनल कोच आ प्रोफेशन के, ये भी तुहाडे नाल गलबात करनगे, दसनगे थोड़ा सा बॉक्सिंग बारे। हेलो जी नमस्कार, मैं सबको वेलकम करता हूँ। हमारा 28 तारीख का ये जो फाइट होने जा रहा है, हमारा छोटे भाई प्रवीण करवा रहे हैं, और ये एक इतिहास है, हिस्टोरिकल फाइट नाइट ऊपर वाले के दुआ से होने जा रहे हैं, अब और मैं पहली दफा इंटरनेशनल फाइट नाइट। तो मुझे जैसे ही पता चला, मुझे कांटेक्ट किया मेरे छोटे भाई ने, हमेशा मेरे यहाँ कोलकाता जाकर भी इन्होंने खेलाया और जीता, तो मैंने बोला मैं जरूर आऊँगा पंजाब, आपको पूरा सपोर्ट है मेरा, और मेरे बच्चे भी आ रहे हैं कोलकाता से, बांग्लादेश से भी आ रहे हैं। तो बस ये एक जो होता है ना, पंजाब में बहुत सारे शेर हैं, वो सारे टैलेंटेड हैं, तो ये टैलेंटेड को अब यहाँ से भी उभार के आगे को रास्ता दिखाना है। इंटरनेशनल बहुत सारा अपॉर्चुनिटी रहता है, खास करके ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग, जिसके बारे में थोड़ा बता दूं कि ये WBC से कॉन्ट्रैक्ट है, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल से हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है, और ये बॉक्स रैंकिंग में बॉक्स रैंक जाता है, तो ये बॉक्स रैंक जाता है एशियन बॉक्सिंग काउंसिल में, तो हमारे बच्चों का इंटरनेशनल नाम भी जाएगा, फाइट भी होगा, तो इसी के इससे आया हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप सबका साथ अच्छा रहेगा और ये फाइट भी बहुत अच्छा होगा। कितने प्लेयर आ रहे हैं खेलने? अपने ये 15 प्लेयर आ रहे हैं टोटल जी, जिन्हें विच हाँ जी सुबह मॉर्निंग 11 बजे शुरू है, शाम के 7 बज सकते हैं, 6 बज सकते हैं।
मैं ते कहना चाहांगा जी स्पोर्ट्स नाल जुड़ो बहुत वधिया जिवें अपने याद विच मान लो भी पंजाब की इंडिया दे विच जिवें हाणा वध रहे नशियां नूं कंट्रोल करन वास्ते स्पोर्ट्स नाल जुड़ना बहुत जरूरी आ स्पोर्ट्स वाल आना चाहिए मैं नौजवान आखूंगा स्पोर्ट्स वाला गेम चाहे कोई भी स्पोर्ट्स आ पर स्पोर्ट्स नाल जुड़ो ते आपदा शरीर फिट रखे फिटनेस रहे बंदे दी स्पोर्ट्स नाल जुड़ना चाहिए सारे नौजवान मैं कहूंगा अपने जिले या शहर तो किन्ने प्लेयर गए अपने जी अपने मनदीप सिंह फाइलगा तो एक प्लेयर है जी ते बलजीत सिंह मेरा स्टूडेंट है मुंडा मुक्तसर जिले तो है जी सर इस खेल नाल जुड़ के बच्चा ना की प्रोफेशन दे विच केड़े केड़े प्रोफेशन ते जा सकदा देखो जिवें कोसा ने तुहानू दस्सिया सीगा एबीसी दे अंडर जो वर्ल्ड रैंकिंग हुंदी है जिहड़ा बच्चा इत्थों सिलेक्ट होऊगा वी एशियन नूं इहनां दा रिकॉर्ड जाऊगा कोसा ने तां दस्सिया ही तुहानू बड़े कोसा दौर दी ये फाइट होता है हमारा एक्चुअली डब्ल्यूबीसी के अंडरटेकिंग में फाइट होता है और यहाँ पे जो फाइट करवा रहे हैं आईबीसी इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल के अंडरटेकिंग में हम लोग ये फाइट करवा रहे हैं और ये जो फाइट का रैंकिंग जाता है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में रैंकिंग को महत्व दिया जाता है तो ये जो बच्चे आज खेलेंगे यहाँ पर इसका रैंकिंग जाएगा एशियन बॉक्सिंग काउंसिल पे प्लस वो बच्चे का दो चार फाइट होने के बाद हो सकता है आने वाला टाइम में पंजाब में हम लोग एक टाइटल बेल्ट फाइट आज आ चुका है इंडिया में और एशियन टाइटल हो गया या नेशनल टाइटल हो गया ये फाइट के बारे भी हम और परवीन बात कर रहे थे बहुत जल्द हम लोग टाइटल बेल्ट मैं टाइटल बेल्ट भी करवा रहा हूँ हम्बोर में जो इनसे मेरी बात हुई है बहुत एक टाइटल बेल्ट पे मैच होते हैं बड़े वो भी करवाने जा रहे हैं पंजाब सरकार ने खेड़ा वतना दी उन्हें प्रोग्राम करवाया ताकि इस प्रोफेशन में भी कोई सरकारी मदद वगैरह मिलती है नहीं ये असि अपने ते करवा रहे हैं वैसे मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए है स्पोर्ट्स का गेम है कोई भी है सपोर्ट करनी चाहिए है मिलनी चाहिए है जी एक चंगा काम कर रहे हैं बच्चों गेम वाल जोड़ रहे हैं इतने ओलंपियन प्लेयर पहुंच रहे हैं एशियन मेडलिस्ट बंदे फाइट कर रहे हैं कुलदीप सिंह जो कि नैशनल चैंपियन रहे हैं एशिया चैंपियन रहे हैं वो फाइट कर रहे इतने जी उन्होंने फाइट हो रही है बहुत जबरदस्त ठीक है जी बांग्लादेश तो मुंडा जो खेडन वास्ते आ रहा है बहुत तगड़ा बॉक्सर वो भी बांग्लादेश तो खेड रहा काफ़ी तगड़े तगड़े प्लेयर इससे फाइट कर रहे हैं जी जसप्रीत मुंडा होने जो पंजाब खेड मेला होया जी वतन खेड मेले के मेरा स्टूडेंट है जी उनका सिल्वर मैडल है जी ठीक है जी काफ़ी मतलब चलो भी बच्चों को करना चाहिए गेम चाहे कोई भी स्पोर्ट करनी चाहिए है देखो स्पोर्ट्स को अगे लैके जाना है ठीक है ना एक चंगी हुआ जी चैंपियनशिप कराओगे बच्चों अकैडमी भी बहुत अकैडमी है जी अपनी अपनी अकैडमी है फाइलका चुंगी है जी फाइलका चुंगी तो अपनी अकैडमी है मैंने 5 महीने अकैडमी खोलने हुए है जी जिद कि अपने 5 बच्चे तुम दस जी पहलों भी अपने 5 बच्चे पंजाब खेड मेला खेड के आए जिन्हें 2 मैडल है जी ठीक है जी तो अपनी जो अकैडमी का नाम संधु बॉक्सिंग क्लब स्पोर्ट्स अकैडमी है जी ठीक है जी तो एक असं अपना एक रिंग मंगा फाइलका एक रिंग लिया रहे बॉक्सिंग का रिंग जो कि अपने खर्चे तो बाकी है यार दोस्त भरा सज्जन मित्र जो भी सपोर्ट कर रहे हैं एक रिंग लिया रहे हैं जो अपना रिंग लिया रहे हैं वो रिंग आने तो बाद असं सोचा भी इतने लगातार कंटिन्यूस मैच करावे जो कि मैच होने तो बच्चे वेखने तो उन्होंने एक इंट्रस्ट पैदा होगा एक वधिया है ना जिमें इतने चीफ कोच गुरबख्श जी पहुँच रहे हैं इंटरनेशनल कोच खुद पहुंचे हुए हैं एशियन मैडलिस्ट प्लेयर पहुँच रहे तो लोगों थोड़ा जहा उत्साह बच्चों से उत्साह होगा जी मुक्तसर के बच्चे पहुँच रहे गंगानगर तो बच्चे आ रहे हैं जी मंजू जाखड़ कुड़ी है जी वो भी पहुँच रही है खेडन वास्ते करसाने तो स्पैशल वेखन वास्ते आ रहे हैं गंगानगर तो आ रहे हैं जी दूर दूर तो फोन आ रहे हैं जी सानू ओके बहुत बहुत धन्यवाद सारे का जी तुम है ना सपोर्ट